हेलोइन बनाने का मेथड शुरू हुआ था, वो पहला था हेलोइन बनाने का, आगे दूसरा उसी से आ गया। कल दो मेथड हो गया था, तीसरा है जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये सब कल समझा चुके हैं, जब इसका रिएक्शन कराएंगे KI के साथ और उसको गर्म कर देंगे, वार्म मतलब हीट कर देना, तो यहाँ पे N2Cl के ऊपर क्या चलेगा, आई, ये क्या बन जाएगा, आयोडो बेंजीन, N2 और KCl बाहर निकल जाएगा। तो क्लोरीन ब्रोमीन वाला कॉल हुआ था, अब आज आयोडीन को जोड़ा गया। यदि क्लोरीन को लाना हो तो N2Cl वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन किससे कराना है, HBF4। तो फ्लोरीन आ जाएगा, या अब ये फ्लोरो बेंजीन हो गया, BF3 और N2 बाहर निकल गया। चौथा मेथड है, पांचवा है कि सिर्फ बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन से करा देंगे, यहाँ पे ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन के यहाँ पे ब्रोमीन भी हो सकता है FeCl3 के साथ, तो यहाँ पे क्लोरीन चलाएगा, HCl हो गया, यदि Br2 होता तो यहाँ क्या चला था, ब्रोमीन। और बाकी कौन गैस निकलेगा, HCl क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ का HCl, अच्छा जहाँ गया है क्लोरीन वहाँ भी हाइड्रोजन था, तो वहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर क्या बना देगा, HCl, क्योंकि बेंजीन में हर एक जगह क्या होता है, हाइड्रोजन, हर जगह कार्बन है उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन है। अच्छा अगला है हुंड्स डीगर रिएक्शन, इसमें सिर्फ ब्रोमीन जोड़ा जाता है, बेंजीन है उसके साथ C2OAG है, इसका नाम है सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट, इसका रिएक्शन ब्रोमीन से कराना है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में रिफ्लक्स कराना है, तो यहाँ से पूरा हट जाएगा, अब ब्रोमीन चला आएगा, ये क्या बन गया, ब्रोमो बेंजीन प्लस CO2 प्लस AgBr। तो हेलोइन बनाने का इतना ही मेथड है, ये सारा कल कॉम्प सारा कल से लेकर आज तक जो भी 6 मेथड हुआ है 6 कंप्लीट कर लिया। हेलोइलकेन में ज़्यादा मेथड सब बनाने का, हेलोइरिन में कम मेथड है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो आपको हेलोइलकेन और हेलोइरिन बनाने का पूरा मेथड कंप्लीट, अब आपका बच गया इसका प्रॉपर्टी, मतलब इसका क्या क्या विशेषता है कि इसका सारा रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। तो पूरा हेलोइलकेन और हेलोइरिन का मेथड और प्रिपरेशन आप कम्प्लीट कीजिए, और से लेके आज तक जो 6 मेथड हुआ वो पूरा हेलोइरिन बनाने का मेथड है, इतना ही मेथड है, इसी में सब पूछेगा। और इससे पहले जो भी चैप्टर में चल रहा था वो सब क्या था, हेलोइलकेन बनाने का मेथड, उससे पहले इसी चैप्टर का नाम था, नोमेनक्लेचर चल रहा था, कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आपका नाम में प्रॉब्लम हुआ तो ये क्या है, बेंजीन, ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये क्या हुआ, क्लोरो बेंजीन, ये क्या है, फ्लोरो बेंजीन, फ्लोरो बेंजीन, आयोडो बेंजीन, हुंड्स डीगर रिएक्शन, FeCl3 उत्प्रेरक का काम करता है, FeCl3 उत्प्रेरक का काम करेगा, Cl2 के ऊपर Br2 भी ले सकते हैं, तो यहाँ क्या चलाएगा, Br, ये सारा रिएक्शन आपका काम है कंप्लीट करना। ये कंप्लीट हो गया तो आपका पूरा हेलोइलकेन और हेलोइन का मेथड और पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट, और इसके पहले जो नोमेनक्लेचर हुआ था नाम लिखने वाला वो सब कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आपका, अच्छा ये इस चैप्टर में जो रिएक्शन सब हो रहा है वो आगे हर एक चैप्टर में वो सब रिएक्शन आएगा, यदि रिएक्शन कम्प्लीट नहीं होगा तो अगला चैप्टर साफ नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको कम्प्लीट करके रखिए।